नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अनदर डे ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गुरु सेशन. सो टुडे वी विल हैव अनदर इंटरेस्टिंग स्पीकर विद अस हु हैज डन MBA एंड ही इज फ्रॉम द कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. ही स्पेंट ओवर 20 इयर्स इन वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री एंड देन स्टार्टेड हिज प्राणिक हीलिंग जर्नी इन 2003 से लेकर आज तक 22 साल तक इनकी लंबी प्राणिक हीलिंग की जर्नी है. एंड बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे कोर्सेस इन्होंने डायरेक्टली सीनियर प्राणिक हीलर्स, मास्टर हीलर्स से सीखे हुए. ही इज अ ट्रेनर सिंस 2011. ही इज टीचिंग बेसिक एंड एडवांस कोर्सेस इन मेनी मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड ही इज अ सर्टिफाइड प्राणिक हीलर. हीज फैमिली इज ऑल्सो अ प्राणिक फैमिली. एवरीवन इन हिज फैमिली इज अ हीलर. सम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एराडिक योगीज. He loves watching movies, listening to music, and traveling, except trekking. And he started Arhati Yoga Intensive Practices. In Arhati Yoga Intensive Practices, there are people who gather and intensely practice Arhati meditations. In 2017, till now, this is started in 5 different locations of Maharashtra, and he takes relentless efforts to travel and conduct these intensive practices along with other volunteers. So let's welcome our today's speaker, a senior pranic healer, Mr. Hetal Shah. Welcome Hetal bhai. Namaste. Namaste. Yes, so aaj pata hamara aapka sada matching ho gaya hai and I know and ekdam matching mein lag raha hai. Ekdam aap beach par baithe ho aisa lag raha hai. Yani aapka thoda glittery wala hai mera ekdam simple. Wings. So now Hetal bhai, आप 2003 में प्राणिक हीलिंग कैसे आ गए, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये सब टेक्निकल बैकग्राउंड एंड अचानक से ये हाथ घुमाओ वाला थी, कैसे आना हुआ? सो मेरा प्राणिक हीलिंग का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था. जब मैं 2001 में एक हेल्थ इश्यू से मेरी शुरुआत हो गई, तो 2001 में मुझे है ना राइट साइड ऑफ द चेस्ट में यहाँ पे ऐसे दर्द हो रहा था, ऐसा लगता था कि अंदर से किसी ने स्विच छुपाई है और ये पेन आएगा 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए फिर चले जाएगा. तो ऐसे चल रहा था वो एक हफ्ते में एक बार, 10 दिन में कभी एक बार, ऐसे चल रहा था. 2001 पूरा गया और मुझे ये धीरे 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 बढ़ते गया. 2002 में जब मुझे ये और ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा था. तो मेरे एक फ्रेंड की मदद से जो प्राणिक हीलर था उस टाइम पर, लेकिन मैं उसकी वैल्यू नहीं करता था, तो मैं उसकी हेल्प से हम गए, कार्डियक डॉक्टर को दिखाया, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया जो लंग्स वगैरह चेक करते कि भाई प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मेडिकली मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मेरा धीरे 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 तकलीफ बढ़ रहा था. तो दिवाली के टाइम पे 2002 में दिवाली में मैं वो मेरे दोस्त के घर पे खाना खाने गया था, तो उस टाइम पे वापस दर्द आया. तो उसने मेरे को पूछा कि क्या तुम्हें हीलिंग चाहिए क्या? तो मुझे ये हीलिंग, आप सोच सकते हैं ना, जब इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है और आपको बोल रहे हैं कि वो हाथ हिलाएंगे तो हीलिंग कर सकते हो, तो कैसे विश्वास होगा, और वो भी ऊपर से एक इंजीनियर. अरे तो मैंने बोला कि हाँ चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, वैसे ही तकलीफ हो रही है और दवाई तो लेनी नहीं है, जो करना है वो उसको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, मैं ठीक नहीं होंगे बचाओ, ठीक है? तो क्योंकि दवाई नहीं थी मेरी, अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दवाई भी नहीं है, बराबर. तो आई वॉज ऑन नो मेडिकेशन. तो हमने हीलिंग लेना शुरू करा, पहले 15 दिन कुछ नहीं हुआ और फिर धीरे धीरे उसका असर दिखने लगा. तो एक 1.25 महीने की हीलिंग के बाद में मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ. वाह. तो 1.5 महीना मैंने वेट करा, लाइक ऑलमोस्ट नवंबर से दिसंबर का वेट हो गया और कोई तकलीफ नहीं हुई. अंदाजे 1 हफ्ते 10 दिन में एक बार तो दर्द आता ही था, विच वॉज नॉट देयर. वाह. वो फिर भी मुझे डाउट था कि यार इसने कुछ किया है क्या, मतलब सच्ची में इसने कुछ किया है क्या ऐसा. तो जनवरी में 2003 में एक बेसिक का क्लास हो रहा था मुलुंड में, तो उसने बोला कि भाई तुझे अभी भी विश्वास नहीं है तो तू ये क्लास करके खुद देख ले. तो मैंने वो बेसिक क्लास अटेंड किया और उसके अंदर जो मेरा पहला अनुभव था, तो पहले 2 घंटे में हम एनर्जी देखते हैं, एनर्जी को महसूस करते हैं, और उसने मेरी जो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मेमोरी थी. वाह. तो और जब से जो शुरुआत हुई है तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और कुछ नया सीख.
नया सीखे और जादू हो गया जिंदगी में। क्या बात है। इसके बाद में फॉर्चुनेटली फरवरी महीने में क्रिया शक्ति का क्लास हो रहा था और मास्टर चौहान ने पहली बार बेसिक रनिंग हीलर्स को क्रिया शक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी। ओके। जो अभी अरहंटिक योगा है उस टाइम पे फर्स्ट टाइम बेसिक ग्रेजुएट्स पर अलाउड। तो जनवरी में बेसिक किया, फरवरी में तुरंत क्रिया शक्ति का क्लास कर दिया टीचर के साथ में और उसने सब कुछ बदल दिया। वाह। एक्सपीरियंस जो आप मतलब मास्टर चौहान को आप कुछ सामने देखा हो, उनके लेक्चर सुने हैं, तो वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट दैट। टीचर के बारे में क्या पता है यार, मतलब उनको देखना और उनके सामने से सुनना। जैसे एक एक्सपीरियंस देता हूँ कि जब हिंदुइज्म रिवील की बुक लॉन्च हुई थी आश्रम में, तो हिंदुइज्म रिवील, स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ मैन और लॉर्ड्स प्रेयर, ये तीन बुक एक दिन पे उन्होंने लॉन्च करी थी। ठीक है। तो सुबह का सेशन, दोपहर का सेशन और रात का सेशन या शाम का, मतलब ऐसे सेशन हुए। तीन सेशन में तीन बुक उन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि भाई ये बुक है ना, ऐसे दो बुक दिखाई उन्होंने लॉर्ड रामा के, यू नो ऐसी वाली। तो पुरानी वाली बुक में लॉर्ड रामा का फोटो है, इफ यू सी। यस। तो स्पिरिचुअल एसेंस, तो तीन, तो हमने, आप सोचिए कि तीन घंटे के सेशन में, साढ़े तीन घंटे के सेशन में वो पूरी बुक कवर कर रहे हैं, है ना। आज वही प्रोग्राम जब मैंने रिव्यू किया, क्योंकि वो तो लॉन्च थी वगैरह, है ना, तो वर्कशॉप नहीं था, आज वो एक बुक का एक क्लास हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर से जो तीन घंटे में आपने सीखा था, हाँ वो ये पूरे दिन में ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। करेक्ट करेक्ट। तो ये टीचर की ताकत है। जब हम रिट्रीट में जाते हैं, जब मराठी योगा करते हैं और फिर रिट्रीट में जब जाते हैं ना, तो जो टीचर से सीखने को मिलता है ना, बहुत अलग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो कुछ ऐसे हीलिंग वाले एक्सपीरियंसेस भी हमें सुनने को अच्छा लगेगा। लाइक यू आर सीनियर हीलर, आप बहुत सारे मास हीलिंग्स वगैरह भी करते हैं, सो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए। एक हीलिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे लिए, दो हीलिंग एक साथ चल रहे थे जो पैरेलल में थे, एंड समटाइम्स यू नो ये जो हीलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये आपकी जिंदगी बदल देते हैं, है ना। आपका विश्वास हीलिंग के अंदर इतना दृढ़ हो जाता है। तो एक हीलिंग का केस था जिसके अंदर 12 साल का एक लड़का है जिसको एक बीमारी है जिसका नाम है हाइड्रानेंटिस सुपरेटबा, ठीक है, और मेडिकली इसका कोई दवाई नहीं है। ओके ओके। ठीक है। उसमें होता क्या है कि बगल के अंदर एक छोटी सी फोड़ी होती है और वो फोड़ी ठीक नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो अपनी स्वेट ग्लैंड्स होती है पसीने, उसकी वजह से वो हील नहीं होती। ओके। ठीक है। तो ये जो फैमिली था जो इसको मिलने आया था सब पहली बार, तो यहाँ से है ना ऐसे पूरा कॉटन लगा के आए थे दोनों जगह पे। तो ये जो बीमारी है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ स्प्रेड होता है। ठीक है। तो जब पहली बार मेरे को मिलने को आया तो वो इतना पस निकल रहा था ना कि बदबू आ रही है, मतलब आप सामने बैठ नहीं सकते, इतनी ज्यादा बदबू है। तो मैंने उनको पूछा कि आप एक काम करो, फिर आप सर्जरी करा दो ना, मतलब तभी हम भी नए थे हीलर हीलर, तो मुझे भी 5-6 साल हुए थे हीलिंग सीख के, तो ये मेरे लिए भी नया केस था। तो मैंने बोला सर्जरी करा लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तभी मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि ये जो बच्चा है 12 साल का, ही इज सर्जिकली अनफिट। मतलब मेडिकल साइंस में ऐसी भी कुछ सिचुएशन होती है जब सर्जरी नहीं हो सकती। ओके। ठीक है। तो फिर हमने उनका हीलिंग शुरू करा, करीब 7 महीने हीलिंग करा और वो खाओ अंदर से ठीक, धीरे 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 ठीक होने गया। और फिर उसका इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने छोटी सी सर्जरी कराई और प्लास्टिक सर्जरी करा के वो घाव को भर लिया। तो एज पर देम इट इज अ मिरेकल। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी ट्रू। हाँ, क्योंकि वो घाव इतना गहरा था, अगर आपको मैं बताऊँ ना कि ऐसा लगता है कि फोड़ी है तो कितना बड़ा हो सकता है, टेबल टेनिस का जो बॉल होता है ना वो पूरा बॉल चले जाएगा अंदर, इतना गहरा घाव था। ओके ओके। तो ये एक, और दूसरा उसके साथ में पैरेलल में एक और हीलिंग चल रहा था जिसके अंदर एक डॉक्टर है, आप जानते हैं उनको, लेकिन अभी नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो आए थे मेरे पास अहमदाबाद से हीलिंग लेने के लिए जब वो प्राणी हीलिंग में नहीं, और उनको एक बीमारी थी जिसका नाम है एवेस्टिनर नेक्रोसिस। अगेन मेडिकली इसका कोई इलाज नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जॉइंट पेन है तो जॉइंट की जो हड्डी है वो पाउडर होती है,
हमारी जो एडवांस प्राणी किलिंग की टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑर्गन को रीजनरेट करते हैं, तो उनके ऊपर जब हमने वो टेक्निक लगाई, अगेन उससे 8 महीने का हीलिंग हुआ और वो उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो बिफोर एक्सरे और आफ्टर एक्सरे में हम प्रूव करते हैं कि भाई ये ठीक हो गया है। अगेन उनके लिए जो खुद डॉक्टर है उनके लिए ये चमत्कार है, क्योंकि मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर को भी विश्वास अभी हो गया। हाँ, तो अभी वो डॉक्टर खुद प्राणी हीलर है और टीचर भी है। अमेजिंग। तो हेतल सर को कब विश्वास हो गया कि नॉन बिलीवर से लेकर बिलीवर तक अबाउट प्राणी? मेरा तो प्राणी हीलिंग जब मैंने अपना प्रॉब्लम ठीक हो गया, हाँ, तो मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझे डाउट नहीं था, लेकिन चमत्कार कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे ऐसा कुछ हो जाए। मतलब सर्दी खांसी ठीक करना, बुखार हो गया ठीक करना, ये तो ठीक है, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। लेकिन ऐसी वाली हीलिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 हीलिंग हो गए ऐसे, उसमें ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मास्टर ने जो टीचिंग दी है ना, वो सही में चमत्कारी हीलिंग कर सकते। अमेजिंग, अमेजिंग। और ये सिर्फ आप ही नहीं कर सकते ना, मतलब आप मतलब कोई भी जिसने प्राणी हीलिंग सीखा है वो कर सकता है, क्योंकि उस टाइम भी तो मैं ना प्राणी हीलिंग सिखाता था, मैं तो एक नॉर्मल हीलर था। क्या बात है, प्राणी हीलिंग तो मैंने 2011 में सिखा है, ये तो 2009-10-11 की बात है, जब मैं अभी टीचर या ट्रेनर बना नहीं था। तो कोई भी हीलर जो प्राणी हीलिंग सीखेगा और वो उसकी टेक्निक जो हमको सिखाई गई है वो प्रैक्टिस करेगा, तो चमत्कार हो जाएगा। वाओ। सो ये लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए हमारे लाइफ में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई वुड लाइक टू और वी वुड लाइक टू लिसन फ्यू ऑफ देम। एक सबसे बड़ा कि लाइक हेल्थ का तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो बीमारी थी मेरी, विच वॉज अगेन मेडिकली देर वॉज नो डायग्नोसिस की प्रॉब्लम क्या है। बराबर। फिर जब मैंने बेसिक किया, एडवांस प्राणिक हीलिंग किया, प्राणिक साइकोथेरेपी किया वगैरह वगैरह, जैसे आगे सीखते गया, फिर मुझे समझ में आया कि ये जो मेरी प्रॉब्लम थी ये स्ट्रेस की वजह से थी। अभी मुझे और स्ट्रेस को कोई लेना देना ही नहीं था, स्ट्रेस जैसा वर्ड ही मैंने सुना नहीं था। तो मुझे अगर स्ट्रेस है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मतलब इट वॉज नॉट वेयर आई कैन रिलेट। तो एक बात तो यही हो गई, ये मेरे लिए चमत्कार था कि मुझे स्ट्रेस हो सकता है, उससे मैं ठीक हो गया। एंड नंबर 2, तो अलग अलग एरियाज में भी मैंने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखे। जैसे जब हमने क्रियाशक्ति का क्लास किया, तो आपको पता है कि क्रियाशक्ति इज ऑल अबाउट साइंस एंड मैनिफेस्टेशन। तो मेरी फाइनेंशियल परिस्थिति जो है वो क्रियाशक्ति के क्लास करने के बाद बिल्कुल बदल गई। इमीजिएटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 जिंदगी बदल गई। अमेजिंग, अमेजिंग। अगर इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो जब मैंने क्रियाशक्ति का क्लास करा, तब मेरी 8,000 रुपये की सैलरी थी। अभी आप सोचिए कि मुंबई में 8,000 रुपये में क्या होता है। बराबर, बराबर। और उस टाइम पे मेरे पास करीब 7,00,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का कर्जा था। ओके। बराबर है। जिसमें से यानी 8,00,000, मतलब 1,00,000 का एनुअल सैलरी लेके 7,00,000 का कर्जा चुकाना नामुमकिन है। बराबर, बराबर है। तो जो क्रियाशक्ति में हमने सीखा, जब मैंने वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म होने लगी। और मैं जॉब के अंदर जो अनसुना है, आज की तारीख में भी हर 3 साल पे मेरी सैलरी डबल हो रही है। वाओ, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। 2003 से जब तक मैंने जॉब करी, मैंने 2013 तक जॉब करी, मतलब मैंने हर 3 साल पे मेरी सैलरी को डबल किया। और मैं 2010 के अंदर पूरा कर्जा चुका के सेविंग के मोड पे आया। ओ वाओ। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, हेल्थ के अंदर देखा, फाइनेंस के अंदर देखा, रिलेशनशिप का तो है ही है कि रिलेशनशिप तो देखिए हर फैमिली के अंदर थोड़ा तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर नीचे भी और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए एंड वो ग्रेजुअली धीरे 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 कम होते जाएगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, हारमोनी बढ़ते जाएगी, तो दैट वॉज प्रोग्रेसिवली सीन। अमेजिंग, अमेजिंग, है ना।
एंड ऑफ कोर्स जब आप ये जो सीखे हैं, जब आप ये संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, जो हम सीखे हैं है ना, जो मास्टर ने सिखाया है वर्चुअस कि भाई आपको ये वर्चुअस फॉलो करनी चाहिए, तो जब हम छोटे बच्चे से ही जब हमने सीख लिया, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मेरे बच्चे अभी काफ़ी छोटे थे जब मैंने सीखा, तो तब से जो हमने उनके अंदर ये संस्कार डालने शुरू कर दिए, तो आज मुझे दिख रहा है आज मेरे दोनों बच्चे जो है भार्गव पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ एक अमेरिका में है एक ऑस्ट्रेलिया में है, तो मुझे चिंता नहीं है कि अरे वो अकेले हैं तो क्या करेंगे या कैसे रहेंगे, गलत संगत में तो नहीं फंसेंगे। बराबर है, बराबर है, बराबर है ना, क्योंकि आज मैं तो उधर बैठने वाले के देखने वाला नहीं हूँ, हम एक फ़ोन पे बात कर लेते हैं, एक वीडियो कॉल कर लिया, फिर हम तो है नहीं साथ में, वो तो कितने बजे घर आते हैं, कितने बजे घर जाते हैं, क्या है, कुछ कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, राइट। तो गलत संगत में फंसना बहुत आसान बात है आज के ज़माने में, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, हम देख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए उन, ये बहुत ये जो अचीवमेंट है, ये टीचर की टीचिंग जब हमने जिंदगी में इंप्लीमेंट करी और बच्चों में बीज बोने शुरू कर दिए, तो उसका फल दिख रहा है आज। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये बहुत सारे पेरेंट्स की मुश्किल समस्या होती है कि ये हल कैसे करे, आसानी से उसको क्लियर ही कर दिया। हाँ, बिकॉज जो हम सीख रहे हैं जब हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे, और वो जब वो देख रहे हैं कि ये मेरे पिताजी और माँ कर रहे हैं, तो उनके लिए यकीन करना बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं मेरे क्लास में भी बताता हूँ कि बच्चे हैं ना, हम जो बताते हैं वो सुन के नहीं सीखते, हम जो करते हैं वो देख के सीखते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, अमेजिंग, वाओ। सो एतल भाई, हाउ वुड यू ऑफर ग्रैटिट्यूड टू आवर टीचर टुडे? सो ग्रैटिट्यूड टू द टीचर इज, यू नो, आपको तो पता है टीचर ट्रेनर की जर्नी कितनी मुश्किल होती है ना। तो पिछले वीकेंड में अहमदाबाद था, सैटरडे संडे क्लास लिया, फिर कल आश्रम जाएंगे, फिर वापस सैटरडे संडे का। तो दिस इज आवर कमिटमेंट टू द टीचर कि भाई हम जो टीचर का विजन है कि हर घर में एक प्राणी खिलर होना चाहिए, उसके अंदर हम अगर छोटा सा भी एक योगदान दे सके, समंदर में एक बूंद वाली है, बट अगर ये बूंद भी हमारी तरफ से गिर जाए, तो बस यही है डेडिकेशन टू द टीचर एंड कमिटमेंट कि भाई वो हमें आप जितना मौका दिया है अभी तक, और जब तक सांस चलती रहे ये मौका चालू रहे, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू टू कीप गिविंग दैट स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन। आप जब बात कर रहे हो ना, तो हमें एक्चुअली मुझे फील हो रहा है हार्ट इज गेटिंग एक्टिवेटेड, बिकॉज यू आर टॉकिंग विद सो hard getting activated. Thank you so much for this wonderful, insightful session. And towards the end, I would request you कि जो भी ये session ये video बारे में देखेगा, उन सभी हम सभी को एक बार आप blessings कर दीजिए. Sure. Chal. Let us do. Let us request the teacher to do the blessings. Okay. Raise your hands in the blessing position. Lord God, thank you for using us as your channel and instrument of blessing. To Master Jogong Sui, thank you for using us as your channel and instrument of blessing. Ma Guruji Mailing, thank you for using us as your channel and instrument of blessing. To all those who are listening to this, may they and their family be blessed with tremendous amount of divine light, divine love, divine power, tremendous amount of happiness, joy and bliss, with goodwill and the wit to do good, with the inner strength to continue to do what is right, with peace, harmony, understanding, happiness, progress, spirituality and spiritual progress, divine guidance, divine help and divine protection, and illumination. Lord God, let all who listen to this, may they experience illumination in this lifetime. So be it. So be it, so be it. We thank you in full faith. So be it. Thank you. Atma Namaste. Thank you so much for this session. And to all the viewers, you can definitely learn pranic healing. For more details, you can go to the description. You can learn to your nearest center, so you can just click to the link and find the nearest trainer and the center. So thank you so much, and thank you. Namaste. Bye bye.